हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा ये वाला ब्लॉग ना बहुत ही सभी काम की है, क्योंकि ना इसमें मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ना अब सबके घर पे होते हैं कपड़े, जो पुराने होते हैं, कटे फटे, छोटे बड़े, या फिर और कुछ कुछ होते हैं ना जो वेस्ट होते हैं, जिसका हम यूज़ नहीं करते, रखे रहते, बस कुछ बनाने का काम आ गया, या फिर किसी और को देने का काम आ गया, या फिर कुछ भी ऐसा। तो ना फ्रेंड्स, अभी मैं जो चीज़ आपको शेयर करने वाला हूँ, पीडोज बनाऊंगी। जितने भी पुराने कपड़े हैं ना मेरे पास, उन सब की मैं पीडो बनाऊंगी। तो ये कपड़े हैं और मैं इसको कट करने वाली हूँ। तो कट करते करते मेरे हाथ छिल गए हैं, फिर भी मैं कट करना नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे सारे पीडोज नहीं बन जाते और सारे कपड़े का, सारे बेकार कपड़ों का यूज़ नहीं हो जाता तब तक मैं चांस नहीं बैठने वाली फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे एक पीडो में जब बना ली ना, तो मुझे और बनाने का बहुत मन होगा। ये हो रहा है किया मैंने, और कपड़े तो इतने सारे बनाए फिर से जल्दी से बना देती हूँ इसको भी, और बनाते जा रही हूँ तो कपड़े भी कटिंग करते जा रही हूँ। आप सबको मेरा ये वाला काम कैसे लग रहा है? आप लोग कमेंट तो करोगे नहीं, है ना? क्या होता है यार, मेरी बातों को सुनते सुनते फटाफट कमेंट कर देते हर बात का, हर कितना अच्छा रहता ना ऐसे बटन से, फिर मैं आप सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, कितना अच्छा रहता है, मजा आता है। तो वो मजा कहाँ देने वाले हैं आप लोग से। देखिए बन गई। एक बार बस यहाँ पर से सिलाई करना बचा हुआ है, यहाँ पे मैं सिलाई कर दूंगी, देन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तीसरा पिलो है फ्रेंड्स, दूसरे दिन में तीसरा पिलो बना रही हूँ, और कटिंग करते हैं और बनाते हैं। बहुत मज़ेदार है ना, मैं खुद देखकर दंग हो गई। मैं खुद बनाई और मुझे बना के इतना अच्छा लगा ना कि मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। तो ना मैंने एक दो दिन कटिंग में ही जा रहे हैं, और मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं ना कि मैं सब कटिंग कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे छिल गया है, यहाँ पर कटिंग करके थोड़ा सा आ गया है, आपको ऐसे दिखाऊँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आया है। सीजर पकड़ पकड़ के देखो, सीजर अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये देखो, ऐसे करके जब हम सीजर पकड़ते हैं ना, ये तो एक थंब तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये फिंगर है ना, ये वाला हेल्पिंग फिंगर, ये बहुत यहाँ पेन हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, इसलिए मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। बाकी मैंने बहुत कटिंग करे हैं, आप यकीन करेंगे। इस बाल्टी में ना दो तीन बाल्टी मैंने कटिंग की है कपड़े, और वो छोटे छोटे साइज से, जितना हम छोटा कट करते हैं ना, उतना हमारा जो पिलो है वो सॉफ्ट बनता है। तो ये देखिए, मैंने अपनी वाली पिलो जो मैंने अभी बनाया है ये, और एक और है, हाँ क्या मतलब, मैंने अभी दो ही बनाए हैं फ्रेंड्स, है ना, मैंने अभी दो ही बनाए हैं, और मेरा तीसरा वाला पिलो ये बनेगा, ये इसके अंदर डालूंगी। तो ज़्यादा बड़ा बड़ा साइज़ का नहीं बना रही हूँ, छोटा छोटा साइज़ का, तो हमारे सर पे ऐसे करके आ जाए बस। तो इतना ही छोटा मैं बना रही हूँ इसी साइज़ का, और मुझे बहुत ही मस्त लग रहा है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ भी करके सिलाई कर रही हूँ, और ये कौन सा फेब्रिक का पता है? ये कोई फेब्रिक नहीं है, जो हम मार्केट में जो सामान लाते हैं कपड़े अपनी दुकान से, जो हमें कपड़ा लेते हैं तो दिखाना देते हैं ना उसके साथ, तो वो साइज़ मैं चूज़ करी हूँ अपने से कि ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। तो उन जितने भी मेरे पास थे ना, अभी और हैं, तो और भी हैं घर पे, कहाँ कहाँ पड़े हैं अभी ढूंढना पड़ेगा, बाकी मेरे पास बहुत है और सबके घर पे होते हैं। तो मैं इनको साइड साइड से सिलाई करती हूँ, इधर उधर से, और इधर से भी साइड से सिलाई करी हूँ, और इसको फिर उल्टा कर दी हूँ। उल्टा करने के बाद मैंने इसमें बहुत सारे कपड़े डाल रखे हैं, ये देख सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कतरन जो होते हैं ना, वो मैंने, कतरन तो है नहीं क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मशीन यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन क्या हो ना,
मेरे पास जो भी कपड़े थे उनको मैं कटिंग करी हूँ बहुत ज़्यादा, छोटा 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 छोटा, तो इसलिए मेरा ये पिलो बहुत सॉफ्ट है, कोई भी यूज़ करेगा ना तो बहुत मेरी तारीफ करेगा आई थिंक। मतलब जो भी आते हैं ना घर पे, कई बार क्या होता है घर पे मेहमान आते हैं, पिलो होता नहीं है, अपने ही बैग को तकिया बना लो, या फिर घर से हम अपने कतरी वतरी को दे देते हैं, कुछ भी करते हैं उनके लिए, है ना, दूसरा पिलो का जुगाड़ करते हैं, तो अब पिलो का जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद पिलो बना के उनको दे सकते हैं। ये देखिए कितना ईजी है, मुझे बहुत मस्त लग रहा है मैंने बनाया था, मैं भी बहुत सारा बनाने वाली हूँ। अभी आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है ना तो उसको यूज़ कर सकते हो, बस बैठे बैठे कट 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 करते रहो, जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक ऐसे ऐसे थैला को उठाओ, साइड साइड से सिलाई करो, हाथ से भी कर सकते हो, या फिर सिलाई नहीं भी करते हो तो भी उसके अंदर डाल दो सारे कपड़े जो कतरन काटे हो आप, उसको डालो और बहुत ही मस्त सा पीलो कर पीलो बन के तैयार हो जाएगा आप ही के हाथ से। मेरे हाथ से जब तैयार हो चुका है मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये जब हो जाएगा ना, मतलब जितने भी कपड़े हैं मैंने ऐसे 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 डाल दूंगी, उसके बाद लास्ट में ना मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी, ऐसे 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 सिलाई करूँगी, पूरा कवर कर दूँगी उसको, ऐसे मतलब पैक कर दूँगी उसको, उसके बाद में इसको इसके लिए कवर भी बनाने वाली हूँ, तो वीडियो भी इन तक में रहेगा और इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें आप सब कुछ कर। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छी लगी होगी ना तो लाइक जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इन सब का कवर बना के दिखाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी नेक्स्ट वीडियो भी, तो ज़रूर देखिएगा। ओके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय।